इस क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है कि हमको एक पॉलिनोमियल गिवेन दिया हुआ है, इसको x प्लस वन से डिवाइड करने पे हमारा रिमाइंडर कितना आएगा। तो इस क्वेश्चन को हम नॉर्मल डिवाइड मेथड से न लगा के रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो हमको रिमाइंडर थ्योरम लगाने के लिए क्या करना पड़ता है कि जिससे हमको डिवाइड करना है उसको सिंपली इक्वल टू जीरो के बराबर करना है। तो जैसे ही हमने एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो के बराबर किया, यहाँ पर हमारा एक्स का मान निकल के आ गया -1। अब हम क्या करेंगे, ये जो यक्स इज इक्वल टू -1 है, जो ऊपर हमें पॉलिनोमियल गिवेन दिया हुआ है, उसमें यक्स के जगह पुट कर देंगे और जो कुछ हमारा बचेगा वही क्या हो जाएगा, हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग लगा के देखते हैं। देखो यक्स इज इक्वल टू -1 है, तो यक्स के जगह हम -1 रखेंगे। तो यहाँ पे -1 की पावर 3 +3 × -1 की पावर 2 +3 × -1 और +1। यदि हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो -1 की पावर 3 यानी -1, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो +3, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो -3, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो +1। तो हमें यहाँ से क्या दिख रहा है, -1 + 1 मिल के 0 हो जाएगा, +3 - 3 मिल के 0 हो जाएगा, यानी हमारा जो आंसर आ गया 0। इसका मतलब कि जब हम यक्स प्लस वन से डिवाइड करेंगे इस पॉलिनोमियल को तो हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।